क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है, तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है, उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है, और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज़्यादातर वहाँ पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहाँ पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से DCA का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना, तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो, जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा, यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा, आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, MS एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, DTP फोटोशॉप और पेज मेकर आपको DCA के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, MS एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा, और सभी की नोट्स की PDF फाइल, टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी, और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, आप तो समझ गए, ठीक है, आपको DCA कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है, तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर DCA का कोर्स मिल जाएगा, और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो DCA का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माई कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली DCA की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में YouTube में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम DCA की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि DCA में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DCA की क्लास।
अगले ऑप्शन का इस्तेमाल सीखते हैं और वो है सेव एस। सेव एस का इस्तेमाल सीखने के पहले नोटपैड में चलिए एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि आपको नोटपैड और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टाइपिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं बायोडेटा। बायोडेटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ बी दबा के इसको कैपिटल बनाया और बायोडेटा टाइप किया। अब हमने राइट एरो की का इस्तेमाल करके कर्जर को आगे लेकर के आए और हमने यहाँ से इसको बीच में ले जाने के लिए कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल किया, ठीक है, और वापस इस तरफ लाने के लिए बैक स्पेस की दबाते हैं। अब हम फिर से राइट एरो की से कर्सर को यहाँ लेकर के जाते हैं और एंटर की दबा देते हैं तो ये नीचे आ जाता है। बायोडेटा मतलब आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी पूरी जानकारी बायोडेटा के रूप में टाइप करनी है, बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, जो लोग शुरुआत में टाइपिंग भी नहीं जानते हैं उनको नोटपैड में क्या काम करना है वो टाइपिंग भी सीख जाएंगे। और इसी के अंतर्गत फिर हमने सेव एस का यूज़, प्रिंट का यूज़, पेस्ट सेटअप का यूज, सब कुछ यूज देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बायोडेटा कैसे बनाना है। तो बायोडेटा बनाने के बाद हम यहाँ शिफ्ट की के साथ एन दबाया ताकि ये कैपिटल आ गया, ठीक है। अब हम दबाते जाएंगे, बताएंगे नहीं नेम। दो बार टैब की दबाई हमने, चलिए एक बार टैब की दबाई क्योंकि हमने एक बार बैक स्पेस दबा दी है, ठीक है। यहाँ कर्सर है, अगर थोड़ी सी जगह लेना है दो वर्ड के बीच में तो स्पेस बार दबाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्पेस लेना है तो टैब की दबाते हैं, तो टैब यहाँ पर आकर के रुकता है। तो मैंने ये शिफ्ट के साथ कॉलन लगा दिया, ठीक है, ताकि कुछ लिख सके। अब यहाँ पर फिर से मैंने टैब की दबाई और यहाँ पर मैंने जो भी नाम है वो लिखा, नाम लिख लिया मैंने। फिर यहाँ पर आए, दो बार एंटर की दबाई मैंने और यहाँ पर मैंने लिखा फादर नेम, ठीक है। और अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, यहाँ पर जब मैं गया था तो एक बार टैब की दबाई थी, मैंने एक बार और दबा दी ताकि अपन को फिर फादर नेम वगैरह लिखने में सही तरीके से बीच में जाए। अब कर्सर यहाँ पहुँचा और ये देखिए बराबर आ गया ना फादर नेम, फिर कॉलन लगाया, फिर एक बार टैब की दबाई और यहाँ पर हमने फादर नेम लिख दिया। तो हमको सही तरीके से अलाइन करना है सारी चीज़ें, उसके लिए हम स्पेस का इस्तेमाल, टैब की का इस्तेमाल, बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फादर नेम के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर मदर नेम, फिर टैब की दबाई, फिर कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया मदर नेम, ठीक है। इससे आप कीबोर्ड से टाइपिंग भी सीखते हैं। मदर नेम के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर एड्रेस, फिर टैब की दबाई हमने, कॉलन लगाया और एड्रेस लिख दिया हमने। इस तरीके से आपको नोटपैड में प्रैक्टिस करना है ताकि आप जो है वो सीख सकें सारी चीज़ें। फिर एंटर की दबाई हमने और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप अपना पूरा जो है बायोडेटा नोटपैड बना सकते हैं और यहाँ पर जो भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखना था वो लिख दिया हमने। कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया हॉबी, हॉबी लिखने में हमने यहाँ पर लिख दिया जो भी हॉबीज़ हैं वो लिख दिया हमने, लिख दिया रीडिंग, न्यूज़पेपर। उसके बाद फिर टैब की दबाई हमने, टैब की दबाने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया हॉबी के बाद, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, हॉबी के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर क्वालिफिकेशन, ये देखिए क्वालिफिकेशन हमने लिख दी, क्वालिफिकेशन में हमने लिख दिया 12th, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं। अभी हम सिंपल सा एक बायोडेटा बना रहे हैं और यहाँ पर इतनी चीज़ें ही ऐड कर रहे हैं। अब देखो इसको सेव करने का तरीका आपको मालूम है, सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाते हैं और सेव में क्लिक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखो नोटपैड नाम से सेव था, मतलब हमने नोटपैड फाइल के अंदर ये बायोडेटा इस तरीके से सेव कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हम एक नई फाइल के रूप में सेव करें जिसमें कि हम अपना नाम दें क्योंकि ये हमारा बायोडेटा है। तो हम इसको कैसे सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे और सेव एस करेंगे। क्यों करेंगे सेव एस, क्योंकि नोटपैड फाइल का हम नाम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो नोटपैड में बना है वो बना रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पूरी फाइल का जो भी कंटेंट है वो हमारे साथ एक नई फाइल के रूप में हम उसको कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेव एस। तो सेव एस में हमने लिख दिया यहाँ पर अजय बायोडेटा और हमने क्लिक कर दिया सेव बटन पे। ये देखिए अब हमारी नई फाइल बन गई। अब दोनों फाइल को ओपन करके देखेंगे, जो हमने इसके पहले जिसमें ये पूरा लिखा था उसके बाद हमने सेव एस किया और हमारी फाइल का नाम हो गया अजय बायोडेटा, ये नाम हमने दे दिया। तो जब हम अपनी पुरानी वाली फाइल को ओपन करते हैं ये देखें, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है
क्योंकि उसी दौरान हमने सेव में भी क्लिक कर दिया था, तो सेव में जब हमने क्लिक कर दिया था तो हमारी ये नोटपैड वाली फाइल में वो पूरा मैटर सेव हो गया था। लेकिन हमने जब सेव एस किया तो सेव एस के बाद हमने उसका नाम दे दिया आजे बायोडेटा, तो वही मैटर हमारी एक नई फाइल में भी आ गया जिसका नाम हो गया फाइल का नाम अजय बायोडेटा। तो सेव एस से आप उसी फाइल को रीनेम भी कर सकते, कई बार उसी की एक नई नई कॉपी बनाते जा रहे हैं या इसका एक फ़ायदा बता रहे हैं सेव एस का। मान लो आपको अब दूसरे का बायोडेटा बनाना है, आपको इतना सारा टाइप नहीं करना है क्योंकि सभी के बायोडेटा में नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस तो वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, ये सब बदलेगा। तो हम क्या चेंज करेंगे यहाँ पर, हम चेंज करेंगे केवल ये वाला मैटर और उसको सेव एस के द्वारा दूसरे का बायोडेटा बनाएंगे। जैसे हमको यहाँ पर राहुल का बायोडेटा बनाना है तो हमने यहाँ पर टाइप किया राहुल कुमार, ठीक है, और यहाँ पर उसके फादर का नाम भी हमने बदल दिया विनय कुमार, हमने यहाँ पर मदर का नाम भी बदल दिया, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद हमने एड्रेस भी मान लीजिए बदल दिया, मोबाइल नंबर भी बदल दिया, पूरा हमने बायोडेटा बदल दिया। अब आपको मालूम है अगर हम फाइल में जाकर सिंपल सेव में ही क्लिक कर देंगे तो ये जो हमने अपडेट किया है वो किस फाइल में सेव हो जाएगा, अजय बायोडेटा की फाइल, मतलब अजय बायोडेटा की फाइल में पूरा मैटर बदल जाएगा, नाम रहेगा अजय बायोडेटा की फाइल, फाइल का नाम, लेकिन मैटर क्या सेव हो जाएगा, ये वाला मैटर सेव हो जाएगा। इसलिए हमको इसको यदि नए नाम से सेव करना, हम चाहते हैं अजय वाली फाइल भी वैसे ही रहे, ये वाला जो फाइल बना राहुल का इसको राहुल कुमार के नाम से सेव करना है, तो सेव में क्लिक नहीं करना, ये ध्यान रखना है। सेव में क्लिक करेंगे तो आपकी अजय बायोडेटा की फाइल खराब हो जाएगी और उसमें वो मैटर सेव हो जाएगा। किस में क्लिक करेंगे, सेव एस में, और सेव एस में क्लिक करने के बाद अब ये किसकी फाइल है, राहुल की फाइल है, तो यहाँ पर हमने दे दिया राहुल बायो डेटा, और जैसे ही हमने सेव में क्लिक किया तो अब हमारी ये राहुल बायो डेटा की फाइल सेव हो गई। अब हम फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे तो ये देखिए अजय बायो डेटा की फाइल अलग है, राहुल बायो डेटा की फाइल अलग है, अजय की फाइल देखेंगे तो ये अजय की फाइल आ गई, इसी प्रकार से यदि राहुल की फाइल देखेंगे तो ये राहुल की फाइल आ गई। तो मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये सेव का क्या यूज़ है और सेव एस का क्या यूज़ है, दोनों में अंतर क्या है। अगला देखते हैं पेज सेटअप। अब जो भी कुछ बनाते हैं हम कंप्यूटर में, हमको मालूम है कि हम उसका क्या निकालते हैं, प्रिंट भी निकालते हैं, तो प्रिंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेज की सेटिंग कर लेते हैं कि प्रिंटर है तो प्रिंटर में किस आकार का पेज हमने लगाया है, अगर वो आकार के अनुसार ही हमारा ये मैटर होगा तभी तो प्रिंट अच्छा निकलेगा, नहीं तो हो सकता है पेज का साइज बहुत छोटा हो, मैटर यहाँ पे जो आपने डिजाइन किया वो ज़्यादा पेज में आ रहा हो और हम चाहते हैं एक ही पेज में, तो वो गड़बड़ प्रिंट होगा, इसलिए पेज की सेटिंग करेंगे। तो फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप में क्लिक करेंगे और पेज सेटअप में क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पेज की साइज़ दे सकते हैं। ज़्यादातर जो आपको प्रिंटर में मिलेंगे वो कौन से साइज के पेज मिलेंगे, A4 साइज के पेज मिलेंगे, तो यदि हम यहाँ से A4 सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब जो भी मैटर हम बना रहे हैं वो A4 के अनुसार बना रहे हैं, और अब प्रिंटर में भी A4 लगा हुआ है तो यहाँ का लिखा हुआ और प्रिंटर का A4 दोनों मैच करेगा और उससे प्रिंट सही तरीके से आए। तो यहां से साइज जो है A4, ये प्रीव्यू भी है, उसके बाद जो भी प्रिंटर का नाम है वो यहां सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा यहां पर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज में जो प्रिंट आप निकालना चाहते हैं तो वो अगर आप लंबाई में निकालना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करिए, अगर आप लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, देखो प्रीव्यू में भी बतला रहा है लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में, है ना, ये लंबाई में निकलेगा पेज के मैटर और ये चौड़ाई में निकलेगा, ठीक है, अगर लैंडस्केप करते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि डॉक्यूमेंट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये हर जगह बार बार यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसलिए अभी समझ में आ गए तो आगे आसान, पूरा आसान होते जाएगा। फिर दिया गया है मार्जिन, पेज में देखो जो मैटर अंदर लिखा है डैश डैश के वो पेज का कंटेंट है और उसके बाद की जगह जो है वो मार्जिन कहलाती है, तो यहाँ पर अगर हम पेज की मार्जिन लेंगे तो लेफ्ट मार्जिन हमने कर दी मान लीजिए यहाँ पर 2 इंच, तो देखो इसके इसके बीच का स्पेस कितना हो गया 2 इंच, राइट की मार्जिन हमने कर दी 2 इंच, यहाँ पर राइट का स्पेस कितना हो गया 2 इंच हो गया, यदि हमने इसकी ऊपर की मार्जिन कर दी यहाँ पर 1 इंच तो देखो ऊपर का स्पेस हो गया 1 इंच, बॉटम की भी कर दी 1 इंच, ये हमारे ऊपर है कि हम पेज में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, 2 इसलिए मैंने ली ताकि यहाँ पर इसका थोड़ा सा प्रीव्यू भी अलग से समझ में आए कि हाँ ये बढ़ रहा है, तो ये जो जगह है खाली लेफ्ट में और राइट में
टॉप में और बॉटम में, ये क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। पेज के ऊपर जो भी आपको लिखना है हेडर में वो आप यहाँ लिख दें, पेज के फुटर में जो भी आपको लिखना है वो यहाँ लिख दें। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल आगे चल के एमएस वर्ड में हम देखेंगे। तो ये था पेज सेटअप कि पेज में किस तरीके की आपको सेटिंग करना है, जो प्रिंटर से आप निकालने जा रहे हैं उसमें जो पेज लग रहा है उसकी सेटिंग किस प्रकार से करेंगे। और जैसे ओके करेंगे तो वो सारी सेटिंग हमारे इस पेज में आ जाएगी जिसको हम अभी यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पेज सेटअप। उसके बाद दिया गया है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि अब हमने पेज की सेटिंग कर ली, मैटर भी बना लिया। वैसे पेज की सेटिंग सबसे शुरुआत में करनी चाहिए मैटर बनाने के पहले, लेकिन फिर भी मैटर भी बन गया है तो भी आप पेज सेटिंग कर सकते हो। थोड़ा बहुत मैटर यदि आगे पीछे बाहर जा रहा है तो उसको फिर अपन साइज को कम करके सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट का इस्तेमाल करना मतलब नॉर्मली अपन को मालूम है कि हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, कंप्यूटर से हमारा प्रिंटर अटैच है, अब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उसका नाम दिखलाई देगा। हमारे कंप्यूटर से ब्रदर का प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो ये नाम दिखलाई दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कितनी प्रति निकालनी है बायोडेटा की, अगर किसी ने कहा 5 प्रति निकालनी है 5 टाइप कर दीजिए। उसके बाद प्रिंट बटन में क्लिक कर दीजिए। प्रिंट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट जो है वो निकल करके आ जाएगा। और भी इनके ऑप्शन है, रेंज, कोलेट, ये आगे वर्ड में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएंगे। तो जब आप प्रिंट निकालते हैं तो उसके लिए आप ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिंट हो गया, इसकी शॉर्टकट की भी लिखिए कंट्रोल पी। देखिए जैसे कीबोर्ड से हम कंट्रोल पी दबाएंगे तो भी ये जो है प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना, जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे। अब आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर से वही टैब की दबा के भी कहीं पे भी अपन मूव कर सकते हैं या माउस से भी कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एग्जिट। एग्जिट में क्लिक करेंगे तो नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नोटपैड से बाहर आ जाएंगे, फिर से हमने फाइल ओपन कर ली तो एग्जिट में क्लिक करके अपन नोटपैड से बाहर आ सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा मेन्यू, फाइल मेन्यू। जैसा कि मालूम था कि फाइल मेन्यू में सभी प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं जो फाइल से संबंधित होते हैं। नई फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, फाइल का प्रिंट निकालना, फाइल की सेटिंग करना, फाइल से बाहर आना। तो ये सारे ऑप्शन हमको कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है, ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करके ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं। चलिए अगले